सो हे गाइस, कैसा आप सब। मैं हूँ लॉर्डन, आप देख रहे हैं लॉर्डन गेमिंग। स्वागत है आप सभी का हमारा और एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि माइनक्राफ्ट के अंदर आप कैसे एक इजी गोल्ड फार्म बना सकते हो। जी हाँ गाइस, इससे आप इन्फिनाइट गोल्ड बहुत ही कम समय के अंदर हासिल कर सकते हैं। मगर उससे पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो इसके पहले वाला वीडियो था, जो कि था सर्वाइवल सीरीज के ऊपर, उसमें मैंने रखा था 30 लाइक का एम, और आप लोगों ने जो है 130 लाइक्स कंप्लीट कर दिए। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया है हमें, तो थैंक यू गाइज उसके लिए। और गाइज, सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो अगर आप वेट करें तो ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज, इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 50 लाइक्स, आप प्लीज़ कंप्लीट कर देना। तो चलिए गाइज, वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। मगर उससे पहले गाइज, चैनल पर नए तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही माइनक्राफ्ट के ट्यूटोरियल्स और सर्वाइवल सीरीज लाते रहते हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। सो गाइज, आपको इस फार्म को बनाने के लिए आप कोई सा भी एक ब्लॉक ले सकते हैं। फिर आपको लगेगा चेस्ट, रेड स्टोन, ओक का बटन, फिर आपको लगेगा हॉपर, और यहाँ पे लगेगा ग्लास, कोई भी स्टेयर, यहाँ पे लगेगा आपको कमांड ब्लॉक। सो गाइज, आपको अगर नहीं पता कमांड ब्लॉक कैसे मिला जाता है, तो यहाँ पे आपको जाना है चैट का ऑप्शन में, और वहाँ पे आपको टाइप करना है /give@p कमांड ब्लॉक। सो गाइज, ये जो है आपको यहाँ पे टाइप करना है, और ये जो है आपके पास कमांड ब्लॉक आ जाएगा। और यहाँ पे कमांड के बाद आपको एक छोटा सा अंडरस्क्रोल देना है, और यहाँ पे ब्लॉक टाइप कर देना है, तो आपके पास कमांड ब्लॉक आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 5x3 का एक प्लेटफॉर्म बना देना है, तो 2, 3, 4 और ये 5, और यहाँ पे 3 का एक प्लेटफॉर्म मैं बना देता हूँ। अब आपको पूरा जो इसको कवर कर देना है। अब एक ब्लॉक छोड़ के, यहाँ पे 2 ब्लॉक छोड़ के आपको क्या करना है कि यहाँ पे कमांड ब्लॉक प्लेस करना है। तो पहले आप 2 ब्लॉक डिक करना है, और 2 ब्लॉक डिक करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड ब्लॉक प्लेस करना है। और कमांड ब्लॉक प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड ब्लॉक में जाना है, और यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है। तो क्या कमांड टाइप करना है, आपको लिखना है सेट ब्लॉक। तो गाइस, सेट ब्लॉक लिखने के बाद आपको ये जो सिंबल है, ये आपको 2 बार देना है, और फिर आपको लिखना है 5, फिर आपको फिर से 1 बार देना है, और यहाँ पे कोई सा भी हो, जैसे कि मैं यहाँ पे गोल्ड, और फिर आपको एक स्मॉल हाइफन दे के यहाँ पे ओ लिख देना है। सो ये करने के बाद आपको लिखना है 0, और फिर से आपको लिखना है डेस्ट्रॉय। सो गाइस, ये हो जाएगा, फिर आपको कमांड ब्लॉक को छोड़ देना है। अब फिर से यहाँ पे कमांड ब्लॉक का, जैसे ही आपको 2 ब्लॉक यहाँ पे माइन करना है, और फिर यहाँ पे 2 ब्लॉक माइन करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कमांड ब्लॉक आपको पहले प्लेस करना है, उसके बाद आपको 2 ब्लॉक माइन करके यहाँ पे रेडस्टोन प्लेस करना है, और फिर आपको यहाँ पे एक टेढ़ा माइन करके यहाँ पे भी रेडस्टोन प्लेस कर देना है। सो गाइस, ये होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आपको ब्लॉक प्लेस कर देना है। सो गाइस, आपको यहाँ पे कैसे प्लेस करना है, तो यहाँ पे आपको 1 ब्लॉक प्लेस करना है, फिर आपको यहाँ पे रेडस्टोन प्लेस करना है, और फिर आपको यहाँ पे जो है ब्लॉक प्लेस कर देना है। अब गाइस, आपको यहाँ पे ये जो ओक का बटन है, ये लगा देना है। अब गाइस, आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो पहले आपको चेक कर लेना है कि कितना ऊपर तक जा रहा है। तो पहले आपको जो है इसको एक बार यूज़ कर लेना, और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो इतना हाइट तक जा रहा है। सो गाइस, ये इतना हाइट तक जा रहा है, मतलब इसके 1 ब्लॉक ऊपर तक हम लोग को जो है ब्लॉक लेके जाने हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पे जो है, पहले आपको ग्लास ब्लॉक से कवर कर देना है। मगर उससे पहले गाइस, ग्लास ब्लॉक से कवर करने से पहले आपको यहाँ पे जो है एक चेस्ट प्लेस करना है, और चेस्ट प्लेस करने के बाद आपको इधर साइड के लिए आना है, और यहाँ पे जो है हॉपर प्लेस कर देने हैं चेस्ट के साथ। और यहाँ पे भी आपको एक माइन करना है ब्लॉक, यहाँ पे भी हॉपर प्लेस करना है, और फिर से आपको यहाँ पे भी माइन करके यहाँ पे भी जो है हॉपर प्लेस कर देना है। सो गाइस, ये जो हॉपर है, ये हम लोग का गोल्ड जो ब्लॉक है उसको कलेक्ट करेगा, और फिर जो चेस्ट के अंदर है उसके अंदर डाल देगा। सो गाइस, ये करने के बाद अब आपको जो है ग्लास का एक बाउंड्री सा बना देना है, और आपको ध्यान रखना है कि ये जो बाउंड्री है वो 3 ब्लॉक का ही बने। तो इसको पहले मैं बना देता हूँ, और चारों तरफ आपको इसको जो है बना देना है। तो पहले मैं 3 ब्लॉक का इसको जल्दी जल्दी बना देता हूँ। सो गाइस, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाउंड्री है वो बन चुका है। अब आपको ये जो है ये भी कवर कर देना है पूरा, और यहाँ पे चेस्ट के नीचे भी आपको कवर कर देना है, क्योंकि ये ग्लास ब्लॉक है, तो ग्लास ब्लॉक लगे रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेस्ट जो है आपका वो ओपन होगा। अब गाइस, आपको क्या करना है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपको लेना है, और यहाँ पर साइड में प्लेस करना है। और ये जो दोनों ब्लॉक है ना, ये इस ब्लॉक के ये साइड और ये साइड, इसको आपको नहीं कवर करना है, बस आपको इसको कवर करना है, और फिर ऊपर ले जाके आपको ऐसे कर देना है। सो गाइस, ये सिर्फ देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये जो है डिज़ाइन सा बन गया है। अब गाइस, आपको स्टेयर का क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो है स्टेयर ऐसे करके प्लेस कर देना है। ये हम लोग कर रहे हैं गाइस डेकोरेटिव पर्पस के लिए, तो आपको अगर ये नहीं करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा फार्म को अच्छा लुक देता है। सो गाइस, ये होने के बाद हम लोग का जो
गोल्ड फार्म है वो हो चुका है कंप्लीट। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसका लुक जो है, ये लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये वर्क भी बहुत अच्छे से करता है गाइस। कि आपको जब ये सिर्फ बटन प्रेस करना है, और बटन प्रेस करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में भी अब एक गोल्ड ब्लॉक आ चुका है, क्योंकि एक दो बार ये बाहर भी आ जाता है, मगर ज़्यादातर जो गोल्ड ब्लॉक है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं चेस्ट में। तो गाइस यहाँ पे जो है गोल्ड ब्लॉक हम लोग के चेस्ट में कलेक्ट हो जाते हैं, और अगर आपका कलेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पे अंदर से जा सकते हैं, यहाँ पे एक गेटवे बना सकते हैं और फिर यहाँ पे आप जा सकते हैं अंदर तरफ और यहाँ पे जो है गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास गोल्ड ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है और थोड़ा इधर उधर भी बिखर गया है, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ। सो गाइस ऐसे करके आप इन्फिनाइट जो है गोल्ड ब्लॉक ले सकते हैं और यहाँ पे जो है चेस्ट में भी ये कलेक्ट होते रहेगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और गाइस नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही माइनक्राफ्ट के वीडियोस लाते रहते हैं। और गाइस ये जो है हम लोग का लाइक एम 50 का है, तो प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा, और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो सर्वाइवल सीरीज़ में। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग के बाकी वीडियोज़ भी तब तक देखते रहिए।